हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब। सो गाइस आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बरसाना दिखाने वाला हूं, जो कि मथुरा जिले में स्थित है। और बरसाना में श्री कृष्ण प्रेमिका राधा जी का जन्म हुआ था। और बरसाना में होली का जो आयोजन काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से किया जाता था, 45 दिन तक लगातार धूमधाम चलता है होली का। तो मथुरा में स्थित है ये बरसाना, आज आपको फुल टूर कराने वाला हूँ। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर है बरसाना। ये शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग ब्लॉग को। ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को बिना किसी तरीके। पार्क कर दिया है कार को, ये बस स्टैंड, इसमें आपको कार पार्किंग का मिलता है। कार पार्क कर दो, उसके बाद आप बरसाना के लिए आगे तक निकल जाओ। पूछता हूँ मम्मी, ये 10 रुपये किसके मिले तुम्हारे हैं क्या? मतलब 10 रुपये। यह है मेन एंट्रेंस, मारो प्यारो बरसाना, यहाँ से आपको एंटर मिलेगी। चलिए अंदर चलते हैं। ये पूरा मार्केट है, मतलब होली के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, 45 दिन तक लगातार जो आयोजन चलता रहता है। ये अच्छी जगह है घूमने के लिए, बरसाना और राधा कुंड, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मथुरा में। तो मतलब राधा कृष्ण का ही पूरा वास है, फिर भी चाहते हैं पूरा एक गली मार्केट लगता है। और होली के टाइम तो इतनी भीड़ रहती है, आप पूछो मत। आपको अभी ऊपर तक सामने दिखाता हूँ, तब का रास्ता है ऊपर चढ़ने के लिए, तो ऊपर चढ़ते हैं। परमानेंट तो नहीं है? नहीं परमानेंट नहीं होता, पर सही लग रहा है देखने में। मरमालिया राधा कृष्ण क्या है, बार बार फोन आता है, काफ़ी सही। 10 रुपये लेते हैं, ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, काफ़ी। थोड़ा सा फिलहाल जल रहे हैं, थोड़ा सा ही देना उन लोगों को, उससे बढ़िया होता है उनसे कुछ काम करा के पैसे दो, तो उसमें कुछ मज़ा भी है, उनको भी उनकी कमाई का पैसा मिलता है और अपन को चीज़ मिलती है। अभी तक थोड़े से और ऊपर रह गया, फिर मैं आपको दिखाता हूँ बरसाना का जो मंदिर है। हालांकि वो शायद क्लोज है, उसके पट बंद हो जाते हैं, शाम 5 बजे इसको दोबारा ओपन करते हैं, पर देखते हैं अभी इतना खुला है, घूम सकते हैं आप। अभी ऊपर से देख सकते हैं काफ़ी ऊपर आ गए, पहाड़ पहाड़ शुरू हो गए देखो पूरे। ये मंदिर पास आ गए अपन, ये देखिए ऊपर मंदिर है, इधर है मंदिर, उधर है एग्जिट, मंदिर इधर है। हाँ इधर से आ जाओ, इधर से मंदिर है। यहाँ पर आपको फूल वूल अगर लेना है तो आप ले सकते हो, पूजा वूजा की सामग्री का सामान है यहाँ पर। देखिए ये है मंदिर बरसाना का राधा जी का, क्या सुंदर नज़ारा है गाइज। और इधर देखो एक बार आप, क्या सुंदर नज़ारा है गाइज। प्लेयर निकाल दोगे आप, है ना? ठीक, मेरे पीछे एक बार आप ये व्यू देखो, पूरा बरसाना का व्यू आता है यहाँ, पूरा बरसाना वाला गांव है ये, जहाँ पर राधा जी रहते थे कृष्ण जी। देखो पूरा व्यू आ रहा है पीछे का, और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये मंदिर है, देख सकते हो पूरा श्री लाडली जी महाराज बरसाना। अभी इसके गए पट बंद है, और ये पट है ना शाम को 5 बजे खुलेंगे, अभी जो टाइम हो रहा है वो 3 बज रहे हैं। अभी अपन नहीं रुकेंगे यहाँ पट के लिए, तो बाकी बाहर से कुछ इस तरह का मंदिर है, अंदर राधा कृष्ण की प्रतिमा है, बाहर से ही देखने का ज़्यादा व्यू अच्छा आता है। ये कुछ इस मंदिर है, पर मतलब ये सब रेस्ट कर रहे हैं, 5 बजे जब ओपन होगा जब दर्शन करेंगे, अभी अपन तो गए पहले निकल लेंगे। तो ये है पीछे का लुक, पूरे गाँव का लुक आता है यहाँ से, देख सकते हो।
यहाँ पर 5,000 रुपये, 5,000 तक के आपको रूम मिल जाएंगे एक नाइट के लिए या टू नाइट के लिए। अगर आपको स्टे करना है, रुकना है, तो उसके लिए आपको रूम भी मिल जाएंगे, और अगर नहीं रुकना तो आपको स्टेशन की तरफ से आप जा सकते हो। अभी पट बंद है, 5 बजे ओपन होंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके के फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगे जो कि 20 रुपये लेते हैं, और आपको एक फ़ोटो क्लिक करके देते हैं। काफ़ी सारी अच्छी फ़ोटो खिंचवाई हमने, 7 फोटो लिए तो 140 रुपीज़ लगे हैं। ये मंदिर है, अभी क्लोज है, 5 बजे ओपन होगा, तो चलते हैं। यहाँ पर आना चाहते हो तो मतलब ऐसे टाइम पे आएगी शाम के टाइम या जल्दी सुबह आएँ, मतलब दोपहर में ही बंद रहता है, दोपहर में आप नहीं थोड़ा सा प्रसाद हमने क्या करा है, थोड़ा सा हमने थाली में चढ़ा दिया, वो जब पट खुलेंगे तो चढ़ा देंगे प्रसाद, तभी नहीं चलते हैं। रिफ्रेशमेंट के लिए सुना ले, अच्छा भी ये मलाई क्या है करिए, हाँ पकड़ एक मिनट डलवाना, रिफ्रेशमेंट भी हाँ आपको जगह जगह पर बस्ती वस्ती मिल जाएगी। यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर ही नंदगांव है, वो भी राधा कृष्ण से जुड़ी एक गाथा है, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। बट अभी अपन तो जाएंगे दूसरी लोकेशन पर, तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करूँगा। अभी अपन चलते हैं पहले पार्किंग की तरफ, पार्किंग से अपन कार बैठते हैं फिर चलते हैं। तो अभी अपन अपनी लोकेशन पर आ गए हैं, ये अपनी कार रही, और अभी अपन दूसरी लोकेशन पर जाएंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना है एंड अपने दोस्तों में शेयर करना है। बरसाना काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, आप आ सकते हैं। बट या जल्दी जल्दी सुबह आएँ या जल्दी शाम को आए, बीच में परफेक्ट टाइम बंद रखते हैं पट को, आपको दर्शन नहीं देखने को नहीं कर पाएंगे आप। तो कैसा लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जगह पे, नई जर्नी का, तो चलिए मिलते हैं आपको, बाय बाय।